ऐसी नरक की जिंदगी से निकालने वाले विश्वभूषण भारत रत्न जिनकी बदौलत हम यहां पर बैठे हैं, जो यहां पर मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी बदौलत विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। हमें न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता था, मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं, हमें तो न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता था। जिसने हमें नाम के पीछे हमारा नाम जोड़ा, महर्षि वाल्मीकि, मैं उनके नाम को भी और तथा कथित महर्षि संत या भगवान कहिए या हमारे मार्गदर्शक कहिए या हमारी पहचान कहिए, मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। साथियों, मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग के मनहर भाई झाला जी और हमारे अपने वाल्मीकि समाज के शिरोमणि, मैं समझता हूं कि हमारे अपने इस वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री शिरोमणि जो हमारे समाज की नाक है, वो 70 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली की जगह से पैदा हो, दिल्ली की जगह से चुनाव जीत करके आए हुए पद्मश्री हंसराज हंस जी का भी स्वागत करते हुए मंच पर आसीन हमारे बड़े भ्राता संतलाल चावड़िया जी, दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन, हमारे एक और पुरस्कृत राष्ट्रपति अवार्डेड रिटायर्ड कमिश्नर जगत सिंह टांक साहब, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे राष्ट्रीय सफाई उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी का आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण जी, सुरेंद्र नाथ जी, इंद्रजीत जी और इस संस्था को आगे रन कराने वाले अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत, महापंचायत या जो भी आप नाम दें, उनके अध्यक्ष हमारे आदरणीय देवेंद्र जी और इसको मंच को सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे बराबर के भाई सुरेंद्र चौधरी जी। मैं बता दूं, 2 दिन पहले बहस हुई थी, बड़ा कौन, मैं बड़ा हूं भाई। चलिए बड़ा मान लेते हैं। सामने बैठे हुए हमारे विनोद जी जो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, राजवीर जी और हमारी जिन्होंने पूरे 55 साल के रिकॉर्ड को जिन्होंने किसी ने नहीं तोड़ा था, चौधरी प्रेम सिंह को हराने वाले अशोक चौहान जी, एक बार खड़े तो हो जाइए भाई साहब। हमारे उदयगिल जी, सुनील बोस जी, मैं देखता हूं जगह जगह हमारे लिए ये हर मीटिंग में हर जगह समाज के चिंतन लेकर के चलते हैं, राजेश खेड़ी जी, ये सब हमारी अपनी टीम के लोग हैं, राजू कोहली जी और सचिन जी, डिंगान जी, विजय प्रकाश जी, मोहर सिंह जी और हम लोगों ने इसे समाज के साथ साथ सरकार के सामने भी रखने की कोशिश की है और हम जहां भी जाते हैं वहां पर भी रखने की कोशिश करते हैं। मैं भाई ये चहलकदमी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए, जागरण में जाते हैं तो बहुत देर तक ताली बजाते रहते हैं और एक भी नहीं हिलता। जो हमारी यहां पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम है अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत के माध्यम से जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, दरअसल में सुरेंद्र जी और देवेंद्र जी को इसका श्रेय जाता है। मैंने तो केवल इनको पीछे से कहा है कि भैया आप हमें जहां इस्तेमाल कर सकते हो, आप हमारी आइडियोलॉजी को, आप हमारी मेहनत को, आप हमारे शरीर को जहां ले जाना चाहते हो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असलियत में ये आज की जो कार्यक्रम है उसके लिए इन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत करी है, थोड़ा बहुत हमारे और भी बहुत सारे साथियों ने उसको मेहनत दी है, जैसे सूर्य जी है, नरेंद्र टांग जी है और बाकी लोग जी हैं। साथियों,
आज की जो हमारी अपील है बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहां पर, क्योंकि दिल्ली का सांसद एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं और ये सांसद ही नहीं है, विश्व विख्यात है। मेरी इनसे पहले 4-5 साल पहले जालंधर में एक मुलाकात हुई थी, मैं अंबेडकराइट कैडर के लिए गया हुआ था, तो मैं तब से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। जब इन्होंने 3 घंटे बैठ करके मेरे विचारों को सुन करके अपनी दुख और पीड़ा और ये यहां तक कैसे पहुंचे हैं अपनी बात इन्होंने वहां रखी थी और 3 घंटे तक कैडर में बैठे रहे तो एक नॉन एसी हॉल के अंदर, तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ। तो आज मैं इनसे यही पीड़ा आपके सामने रखने के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने शायद पढ़ भी लिया होगा और आप लोग भी इसको ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, जो हमने बड़ी विस्तृत तरीके से सारी मांगों को लेकर के रखा है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा दिनांक 30 जून 2019 को नवनिर्वाचित सांसद जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह मालवीय स्मृति सदन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। संस्था आपका हार्दिक स्वागत करती है। साथ साथ संस्था के माध्यम से वाल्मीकि समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर आपसे अपील करती है कि समाज की पीड़ा को आप दूर करने की कृपया करेंगे। प्रथम हमारी मांग है पूरे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम, अर्ध सरकारी उपक्रम कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी पूरी तरह से समाप्त हो, क्योंकि डीओपीटी के आधार पर नियमित कार्य को ठेके पर नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में भी सफाई कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह पूरा वेतन मिले। अब मैं इसका सब थोड़ा सा 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी की सरकार में ये प्लान आया था, जब भारत ग्लोबल स्थिति के अंदर भारत उस समय पर इकोनॉमी में डाउन जा रहा था, तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा था कैबिनेट की मीटिंग में, और उस समय पर मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपने डिपार्टमेंट का भी मैं एक मेंबर था, तो ये रिपोर्ट हमने भी अपने यहां से तैयार की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि जैसे ड्राइवर है, माली है, माली की कभी कभी जरूरत पड़ती है, ड्राइवर की कभी कभी जरूरत पड़ती है, फराश की जरूरत भी कभी कभार थोड़ी देर के लिए पड़ती है, लेकिन जो नियमित वर्क है उसको रेगुलर बेसिस वर्क को आप रेगुलर बेसिस वर्क को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते। ये रिपोर्ट कैबिनेट ने भी सबमिट की थी, लेकिन क्या हुआ कि वो गजट नोटिफिकेशन डीओपीटी ने भी किया। गजट नोटिफिकेशन डीओपीटी ने कहा कि रेगुलर वर्क को हम कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दिमाग की सोच से इसको भी इसके अंदर ढकेल दिया। और उस समय के दौरान जो हमारी लीडरान थे, या मैं कहूं कि जो लोग आज तक पार्लियामेंट में मलाई खा रहे हैं, पर किस चीज की मलाई खा रहे हैं, मंत्रालयों की मलाई खा रहे हैं दलित मूवमेंट के नाम से, उन्होंने केवल सफाई कर्मचारियों की बात को छोड़कर के बाकी आंदोलनों के लिए तो आंदोलन किए, लेकिन आज तक भी जब भी ठेकेदारी होती है, चाहे वो LIC के लीडर हो, चाहे वो रेलवे के नेता हो, चाहे वो इनकम टैक्स के नेता हो, चाहे वो किसी भी दलित समाज के नेता हो, वो आरक्षण की बात तो करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात तो करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा की कभी बात अपने मन से नहीं करते हैं। और इल्जाम क्या लगाया जाता है कि वाल्मीकि समाज दलित आंदोलन में साथ नहीं आता, दलित आंदोलन के नाम से, दलित एकता के नाम से सबको बुला तो लिया जाता है, लेकिन होता क्या है कि इनकी मांगों को उसके फ्रंट पर नहीं रखा जाता है। तो यह हमारी गुजारिश है कि ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, कोई यूं ही मजबूरी में नाली में कोई गंदगी को नहीं साफ करता, उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा करके उससे नाजायज तरीके से उसका हनन किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है और उसको कम वेतन देकर के उसको बेइज्जत किया जाता है। यह बंद होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी देश के किसी नेता ने इसको पार्लियामेंट में नहीं रखा है। तो यह हमारी आपसे मांग है कि सांसद महोदय जी बाकी सांसदों के साथ मिलकर के जब भी
दलित मूवमेंट पर चर्चा हो तो इस बात को भी आगे आप रखें। सफाई कर्मचारियों की निगम में इलाज के लिए, देखिए कितनी विडंबना है, इलाज के लिए कैशलेस कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो। पूरे भारत में प्लेग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारी जब आती है तो सफाई कर्मचारी को घुसेड़ दिया जाता है और उसी पर कोई ना तो उसके लिए कोई मेडिकल कार्ड होता है ना उसके इलाज के लिए पैसे होते हैं और सबसे कम वेतन में उसको मार दिया जाता है और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए खुद मर जाता है और उस पर कोई अफसोस तक नहीं करता है। उसके लिए कार्ड तक की तो सुविधा उपलब्ध हो। गटर में सफाई का कार्य करते हुए सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया, एक स्थायी नौकरी दी जाए, मृतकों से संबंधित अधिकारियों को, ठेकेदारों को जेल भेजा जाए। मैं सर थोड़ा सा इसमें इसी महीने की जून की एपिसोड को मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उसके बाद मैं धड़ाधड़ अपनी मांग को पढ़ता चला जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी मेरी। सर मैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मैं इस मंच पर वाल्मीकि समाज के होने के नाते वाल्मीकि समाज के ही मंच पर बैठा हूं और वाल्मीकि ही लोग यहां पर हैं और हमारे अध्यक्ष भी और मानदार और पार्लियामेंट भी ये केवल वाल्मीकि समाज से है और बाकी लोग भी सभी वही लोग हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पहले मैं समाज से हूं, बाद में मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं। पहले मैं समाज से हूं, बाद में किसी राजनीतिक पार्टी से हूं, क्योंकि आंदोलन चलता रहना चाहिए, विचार जिंदा रहना चाहिए। कोई कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार जिंदा रहना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के टीवी के अनुसार, मैं पिछली बार लोकसभा टीवी पर बैठा था तो मैंने आंकड़े दिए थे उनको टेलीविजन और अखबार के माध्यम से। मैंने ये देखा, लोकसभा चैनल पर मेरी 1 घंटे की डिबेट थी, अकेले 10 साल के अंदर मुंबई शहर में सांसद जी, अकेले 10 साल के अंदर मुंबई शहर में 10,000 लोग सीवर में डूबकर मरे जहरीली गैस। दिल्ली में 17-18 के अंदर 100 दिन के अंदर 49 लोगों की मृत्यु हुई, एक एक दिन के अंदर लाजपत नगर जैसी घटना 3-3 लोगों की मृत्यु हुई, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई उसमें। और अभी इसी जून के महीने में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं कि 15 जून को 2019 में ही गुजरात के बड़ौदा शहर के एक होटल में सेप्टिक टैंक साफ करते हुए एक ही दिन एक ही समय पर 7 लोगों की मृत्यु हो गई। 26 जून को रोहतक में 4 लोगों की मृत्यु हो गई सेप्टिक टैंक साफ करते हुए। 27 जून को कोयंबटूर के अंदर 3 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली गैस से। और कल ही 29 जून को नजफगढ़ में केशवपुर के अंदर 3 लोग मर गए, एक मर गया और 2 लोगों की बॉडी तक पता नहीं चली वो कहां डूब चली, तीनों मर गए। यानी 100 दिन एक महीने के अंदर हमारे लोग 300 रुपए में, हमारी तो जान भी इतनी सस्ती है कि 300 रुपए में उन्हें गटर में घुसा करके जबरदस्ती मार दिया जा रहा है। एक महीने के अंदर 17 लोग एक महीने में मर जाते हैं, लेकिन कोई भी उस पर कोई बहस तक नहीं करता। मानता हूं मॉबलिंचिंग घटना ठीक नहीं है, तवेज आलम पर पूरे देश में उधम मचता है कि तवेज आलम को भीड़ तंत्र ने मार दिया, लेकिन 17 आदमी मर गए उस पर कोई चर्चा नहीं होती। 17 आदमी मर जाते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। एक सांसद ने दूसरे सांसद को क्या कहा उस पर पूरे दिन पार्लियामेंट ठप हो जाती है, लेकिन दिल्ली में इतने लोग मर जाते हैं उस पर एक दिन चर्चा तक नहीं होती है। कहां हैं हम लोग, कहां हमारा मान सम्मान है सर, कहां हैं हम? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं दिल्ली में जब आया और नौकरी कर रहा हूं, वैज्ञानिक पद पर काम कर रहा हूं, तो मैं एक दिन हर रोज मैं उस दिन याद करके सोता हूं कि मैं जिस गांव से निकल कर आया हूं उस गांव में 40 साल पहले मैं जब निकला था एजुकेशन के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, तो उस समय पर हर महिला के सर पर मैला था, हाथ में झाड़ू थी। मैं जिस दिन मंच पर चढ़ता हूं उस दिन मुझे वो गांव याद आता है, मेरे समाज में याद आता है। आज भी हम लोग गटर में मर रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ये कैसी संवेदना है? तरवेज आलम पर बहुत ज्यादा उधम मचता है, वो भी हमारे देश का है, लेकिन
17 लोग जून के महीने में ही मर जाते हैं, उस पर कोई चर्चा तक नहीं करता। एक डॉक्टर वो थप्पड़ लगता है, पूरा देश हड़ताल कर देता है, सारा सिस्टम फेल हो जाता है, डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज मर जाते हैं। लेकिन जब मरीज मरते हैं या कोई आदमी आम आदमी मरता है तो यही सफाई कर्मचारी उनको जिंदा रखने के लिए खुद मर जाता है, लेकिन उस पर कोई अफसोस तक नहीं करता है। कितना दुख होता है साथियों। मैं आगे की बात आगे रख रहा हूं। 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी ने एमसीडी में सफाई कर्मचारियों के लिए सस्ती किस्तों पर 20,000 मकान देने के लिए घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसमें से 20,000 मकानों में से 2700 मकान ही केवल दिए गए हैं, जिसे एमसीडी और एनडीएमसी के द्वारा उसे जल्द पूरा किया जाए और उसका एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत उसके लिए बजट भी दिया गया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार वाल्मीकि समाज के होनहार बच्चों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए जो कोचिंग सेंटर की आप बात कर रहे थे, जो आईएएस और एलडीसी और यूडीसी और उसके लिए बात कर रहे थे, आईएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, एमबीबीएस के लिए, आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एसएससी के कंपटीशन के लिए जो कोचिंग सेंटरों में मोटी मोटी फीस रखी गई है, जो सम्मानित कोचिंग सेंटर है, उसमें वाल्मीकि समाज के लिए डायरेक्ट कोचिंग सेंटर में पैसा डायरेक्ट कंपोनेंट प्लान के तहत उस बच्चे के नाम से उसमें जमा करवाया जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, ताकि वो हमारे बच्चे आईएएस और पीसीएस में भी निकल सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा के प्रवेश के लिए और नौकरियों में प्रवेश के साथ साथ दिल्ली में प्राइवेट विद्यालयों में भी वाल्मीकि समाज के एडमिशन के लिए रिजर्वेशन फिक्स किया जाए। एससीपी स्पेशल कंपोनेंट प्लान के योजना के तहत दिल्ली में बड़े शहरों में वाल्मीकि छात्रावास बनवाया जाए। हमारे देश का पूरे देश के अंदर कहीं भी वाल्मीकि छात्रावास सरकार की तरफ से है ही नहीं। वाल्मीकि छात्रावास बनवाया जाए और उसका पूरा वहन राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे। दिल्ली में, देश के बड़े शहरों में, दिल्ली के साथ साथ देश के बड़े शहरों में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो दलितों को उत्थान के लिए पैसा दिया जाता है, वाल्मीकि भवन या वाल्मीकि सदन बनाए जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, ऐसी जगहों पर वाल्मीकि सदन बनने चाहिए। वाल्मीकि समाज को व्यवसाय करने के लिए ब्याज मुक्त जो ऋण मिलता है सरकार की तरफ से, वो देकर के बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देकर के उनको बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ाने का कदम बढ़ाया जाए। लोकसभा में 131 लोकसभा है, जिसमें से 85 लोकसभा सीटें हैं सुमन कास की, उसमें वाल्मीकि समाज की हिस्सेदारी हर पार्टी से, क्या टोटल सीटों में से जो 85-86 सीटें हैं सुमन कास की, उसमें वाल्मीकि समाज की हिस्सेदारी तय की जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आईएएस से लेकर के एलडीसी तक की नौकरियों में वाल्मीकि समाज को, आपके पंजाब की तरह सांसद जी, आपके पंजाब की तरह एबीसी कैटेगराइज करके रिजर्वेशन को बायफर्केट किया जाए, ताकि इनको हक मिल सके और इनको नौकरियों में मान सम्मान मिल सके। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और प्रदेश आयोग दोनों के पास जुडिशरी पावर नहीं है। केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जुडिशरी पावर इनको दी जाए, ताकि जो सफाई कर्मचारियों का साथ शोषण होता है, डायरेक्ट वो डायरेक्शन देकर के उनको सजा दिलवा सके। और एक बहुत अहम मुद्दा, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, पचकुनिया हमारा एक जिस तरीके से अमृतसर के अंदर भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल है, उस प्रकार से वहां की सरकार ने 300 करोड़ रुपए देकर वहां पर 100 किलो की सोने की मूर्ति लगवाई और भवन निर्माण किया। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर पचकुनिया पे जो एनडीएमसी को बिल्डिंग दे रखी है उसके पास वाली वो बिल्डिंग वाल्मीकि समाज के मंदिर संस्था को देकर के उसको वहां पर सरेंडर किया जाए, एनडीएमसी बिल्डिंग को वाल्मीकि समाज के लिए, और उसके भवन निर्माण के लिए अलग से बजट एलोकेट करके दिल्ली के अंदर जिस तरीके से
टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है, जैसे अमृतसर के अंदर बनाया गया तीर्थ स्थल, उस तरीके से दिल्ली पक्ष को यहाँ पर तीर्थ स्थल वाल्मीकि समाज के लिए प्यार दिया गया। साथियों बहुत सारी डिमांड है, लेकिन इसमें हमने बहुत मोटी मोटी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के हम लोगों ने आपके सामने रखी है। हमने आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें रख दी है। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के जो सामने रखी है उसमें आप सभी लोगों को पसंद आई होंगी, लेकिन दिल से सोचकर देखिए कि हम कहां हैं। ये क्वेश्चन मार्क सांसद के सामने भी रहता है और चेयरमैन के सामने भी रहता है, और हम जैसे रात दिन गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले जूता घिसने वालों के सामने भी रहता है। हमें तो किस किस ने लूटा कोई तो हमें हिसाब दे, हमें तो किस किस ने लूटा कोई तो हमें हिसाब दे। अरे बिको तो ऐसे बिको तो कम से कम सही हमारा भाव तो दे, हमारा कोई भाव तो दे। क्यों मैं एक सब लोगों के साथ कहूंगा, राजनीतिक पार्टियों से हट करके एक लास्ट में मैं बात जरूर कहता हूं, और वो अवश्य कहूंगा कि उभरते हुए स्वरों को दो आवाज तो ये चमन महक जाएगा, उभरते हुए स्वरों को दो आवाज तो ये चमन महक जाएगा, और बेमौसम दी आवाज तो सावन भी आने से भटक जाएगा, बेमौसम दी आवाज तो सावन भी आने से भटक जाएगा। अरे भाइयों सब मिलकर मिलजुल कर एक हो जाओ तो ये जो पीड़ा है वो भी एक मिनट में दूर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।